सो गाइज अपना मस्त पहुंच चुके हैं बेनाजीर। तो बात आए थे हमारे, वो सारे सब बंदे यहाँ खड़े हैं, देखो वो सब आ रहे हैं पीछे, अपना पहुंच चुके हैं, चलते हैं आगे। सो गाइज इधर देखो कितनी तगड़ी आग लग गई यहाँ पर, मतलब गेहूँ में। सो हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज कैसे हैं आप सब लोग, आई होप कि आप समझते होंगे। सो गाइज मैं सो रहा हूँ इस समय छत पे, रात को जो लाइट काफ़ी परेशान कर रही है, रात को जो दो दो तीन तीन घंटे लाइट नहीं आती, गर्मी में इतना बुरा हाल हो जाता है। तो रात जो है काफ़ी मस्त हवा लग रही थी ऊपर, मैं ऊपर ही आके सो गया था और मज़ा आया, मतलब नींद अच्छी आ जाती ऊपर आके ना, तो नीचे जो गर्मी लगती है काफ़ी। तो अब टाइम हो चुका है उठने का, टाइम हो रहा है 6:11 हो चुके हैं, तो चलते हैं अपना नहाते धोते चाय नाश्ता करते हैं। अरुण सो रहा था मेरे पास में, अरुण भी आके ऊपर सोया, मतलब सोया था तो लाइट आ गई थी, अरुण तो नीचे चले गया था, तो हम भी चलते हैं अपना नीचे नहाएंगे धोएंगे फिर चाय नाश्ता करेंगे। तो बाकी जो कल वाला ब्लॉग जो कल अपलोड करा था उस पर आपने काफ़ी अच्छा प्यार दिया है, उसके लिए थैंक यू। तो अपना ऊपर से नीचे तो आ गए हैं गाइस, तो नीचे जो है सब लोग सो रहे हैं अभी, इधर अरुण सो रहा है, इधर देखो सब लोग सो रहे हैं, अभी सब सो रहे हैं मस्त, अभी उठते हैं हल्के हल्के। सो गाइस चाय नाश्ता तो अपना हो गया है, तो अब चलते हैं, नितिन का फ़ोन आया था कि आलापुर में हूँ, रवि भाई आ जाओ, तो अपना चलते हैं घूमने, क्योंकि नहाया तो होनी में ऐसे ही अपना सुबह ही चाय नाश्ता करके लेटा हुआ था घर पे, तो अब चलते हैं नितिन के पास। और गाइस गर्मी तो बहुत ख़तरनाक वाली हो रही है, सुबह से ही धूप निकल जाती है, मतलब ख़तरनाक धूप निकल आती है सुबह ही, तो चलते हैं नितिन के पास आलापुर। नमस पहुँच चुके हैं गाइस आलापुर, और ये देखो दोनों बागड़ बिल्ले यहाँ पर लगे पड़े हैं, यहाँ पर नितिन बैठा हुआ है, विशाल बैठा हुआ है, बढ़िया बढ़िया। तो ये दोनों देखो इधर प्याज काटने में लगा हुआ है, तभी हमारी शादी होगी ना, तो ऐसा तो होनी नहीं। हाँ प्रैक्टिस चल रही है, सब्जी वब्जी बनाने की सही है, इंटरनेशनल आ रही है मुझसे काम, आगे लौंडिया भैया हस्बैंड सामान उठवाऊंगी। हाँ तो अपना घर आ चुके हैं गाइस, तो अपना मैं गया था आलापुर नितिन के पास, तो मिल मिला के अपना आ चुके हैं घर पर, और हमारे पड़ोस में एक शादी है, तो बारात में जाने के लिए बोल रहे हैं कि बारात में चलो, तो देखते हैं तैयार व्यार होते हैं, फिर चलते हैं रामपुर, रामपुर जाएगी बारात, तो रेडी होते हैं इन्जॉय करेंगे बारात में जाके। तो मतलब काफ़ी बंदे जा रहे हैं, तो अपना कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद जाएंगे सीधा रामपुर बारात में इन्जॉय करेंगे। सो गाइस अपना कपड़े वपड़े तो चेंज कर लिए हैं, जींस ये वाली डाल ली है जो रात पहनी थी, और वाइट कलर की शर्ट पहन ली है, अब चलते हैं, थोड़ा सा और काम रह गया, दाढ़ी बूढ़ी सेट करवाने हो सकता है, जा सकता हूँ मैं, टाइम रहा तब, नहीं तो मैं ऐसे चले जाऊँगा, तो देखते हैं चल के बाहर टाइम है या नहीं है, फिर जाएंगे दाढ़ी बूढ़ी सेट करवाएंगे, पहले टाइम रहा तब नहीं तो ऐसे चले जाऊँगा। अपना दाढ़ी सेट करवाने के लिए आए गए हैं गाइस, तो वेट टाइम है थोड़ा सा अभी, और सर क्या हाल है, गाइज अपना बाल बुल कटवा के तो आ गए हैं, और पीछे बस आ रही है, तो उसमें चलते हैं बैठ के रामपुर, इधर जो है बारात में जाने के लिए सब लोग रेडी हैं, बस काफ़ी भरी हुई है, तो चलते हैं सीधा, चलने का टाइम हो ही गया है, 1:11 हो चुके हैं, तो चलते हैं सीधा। सो गाइज अपना मस्त पहुंच चुके हैं बेनाजीर, तो बस अपना पीछे खड़ी है, और जो साथ आए थे हमारे वो सारे सब बंदे यहाँ खड़े हैं, तो अकाल सुकाल सारे खड़े हुए हैं पीछे, तो ये देखो सब आ रहे हैं पीछे, अपना पहुंच चुके हैं, चलते हैं आगे।
इधर आए हम समोसे खाने के लिए, क्योंकि भूख लग रही है काफ़ी तेज़। घर से हमने कुछ खाया नहीं था, तो सोचा कि चलो जब तक कुछ खा लेते हैं, जब तक बारात चढ़ेगी तो जब तक अपना समोसा खा लेते हैं। अभी हमारे भाई हैं, वहीं गई हैं, घर के पास में ही रहते हैं, तो समोसे वमोसे खाते हैं, उसके बाद चलते हैं फिर। तो गाइस वहाँ से जो है पकौड़ी वकौड़ी खा के तो अपना आ गए हैं, और यहाँ पर भी जो है चाय नाश्ता स्टार्ट हो गया है, तो चलते हैं नाश्ता वास्ता करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे बारात वरात चढ़ाने के फिर। ये तो वो सब इधर नाश्ता कर रहे हैं बस, तो हम भी अपना नाश्ता वास्ता करते हैं फिर चलते हैं। थोड़ा पट्टी चाट और खड़े तो ये खा रहे हैं मस्त अपना। सुबह इधर देखो कितनी तगड़ी आग लग गई है यहाँ पर, मतलब गेहूँ में, और उसके जो गेहूँ काटने के बाद जो खेत में आग लगा देते हैं उसकी वजह से देखो पेड़ों में आग लग गई थी पूरी, ये मतलब कितनी खतरनाक आग लग गई है देखो। तो देखते हैं अब थोड़ी बहुत देर बाद, हो सकता है कि पूरे पेड़ जल गया, पेड़ ना जल रहे हैं। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक आ गई, कितनी लंबी आ गई देखो, बहुत खतरनाक आग लग गई है। अपना बारात वरात चढ़वा के फ्री हो गए हैं, तो बारात चढ़ने के बाद का जो प्रोग्राम होता है वो अंदर गली में हो रहा है इधर। तो हम तो अपना आ गए हैं वहाँ से फ्री होके, मगर चलो बैठते हैं अपना बाहर जाके। तो आप गोपी गए हैं आइसक्रीम लेने के लिए, तो इधर आइसक्रीम अपना आ गई है, वो आइसक्रीम वगैरह खाते हैं इधर। कौन सी है वो खाते भी चलते हैं बस में। इस समय टाइम हो रहा है रात के 1 बज गया है, और बारात में से जस्ट अभी आके रुके ही हैं, तो अब चलते हैं। लाइट भी नहीं आ रही थी, अभी मैं आके रुका था 12:40 पर यहाँ पर घर पहुँच गया था, तो देखा था कि घर पर लाइट भी नहीं आ रही है, तो लाइट भी आ गई 10 से 15 मिनट और लगे हैं, मतलब 10 बजे की लाइट भागी हुई है यहाँ पर, तो 1 बज गया है पूरा। अब चलते हैं सोते हैं, ब्लॉग तो एडिट कर नहीं सकता क्योंकि टाइम ज़्यादा लगे और नींद आ रही है कुछ खतरनाक वाली। तो मिलते हैं आपको सुबह मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, दिस इज नेक्स्ट डे। सो गाइस अपना नहानू के रेडी हो चुके हैं, और रात को जो है काफ़ी लेट हो गया था, मतलब सोने में नींद आ रही थी, तो रात को जो है लाइट आई थी, आपको टाइम दिखाई था 1 बज गया था, सोया वही 2 बजे के आसपास था, तो जस्ट अभी उठ चुके हैं, और इस समय टाइम हो रहा है लगभग 8:11 हो चुके हैं। तो जल्दी अपना नहानू के रेडी हो चुके हैं, चलते हैं, पूजा वगैरह भी कर दी है, चलते हैं चाय नाश्ता करते हैं फिर हम। उसके बाद ये ब्लॉग जो है हो सकता है कल ही मिलेगा आपको, तो इसको जो एडिट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, और अभी जो मैं बाज़ार जा रहा हूँ, बाज़ार में तो एडिट कर नहीं सकता, घर आके शाम को आराम से एडिट करूँगा इसको, तो कल सुबह मॉर्निंग में मिलेगा आपको। चलते हैं अभी चाय नाश्ता करते हैं। सो गाइस इस समय देखो सुबह ही कितनी खतरनाक धूप निकल आई है, तो अभी जो है मैं जा रहा हूँ मार्केट किसी काम से, तो अभी चलते हैं बाज़ार। तो अपना जो मार्केट में काम था गाइस, सामान वामान लेकर आना था थोड़ा सा, तो वो ले आया हूँ मैं, और मार्केट में जो वीडियो शूट करने वाला था मैं, कैमरा जैसे ऑन कर रहा था तो कैमरा ही नहीं चल रहा था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम बता रहा था, मैंने जो उसको अपडेट कर दिया है, फ़ोन रीसेट कर दिया था, मतलब छोटा वाला जो रीसेट होता है उसको रीसेट करके, तो अब जो है कैमरा बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो मैं कहा चलो घर पर आ गए थोड़ा सा वीडियो शूट कर लें, तो अब जो है हल्का हल्के मैं वीडियो जैसे शूट करता जा रहा हूँ वैसे ही एडिट करता जा रहा हूँ, तो देखते हैं एडिट करते हैं, उसके बाद आपको कल मिलेगा ये वाला ब्लॉग। अभी आज ब्लॉग अपलोड करना था, तो ये कल अपलोड, मतलब एक दिन थोड़ा सा लेट हो गया रात को जो लेट आने के कारण बारात में से। सो गाइस टाइम हो चुका है काफ़ी 9:30 के आस पास,
तो 9:45 हो चुके हैं। तो अपना सोचा कि चलो खाना वाना खाते हैं उसके बाद चलेंगे बरेली, खाना वाना खा लेते हैं उसके बाद जाएंगे बरेली। सैटरडे या सैटरडे की बाज़ार लगती है वहाँ पर, तो जल्दी फटाफट खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पर ये ब्लड तो अपना खाना वाना खाते हैं फिर चलते हैं फिर बरेली, चलने की तैयारी करते हैं, सामान भरते हैं। तो इस ब्लॉग को भी यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।